सर वॉलपेपर रोल आता है तो उसमें क्या होता है कि दीवारों में आपने लगा दिया, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आई तो जॉइंट्स खुल जाते हैं या फूल जाता है, बिल्कुल हाँ, अक्सर ये शिकायत आती है। जो कि आप रिपेयर नहीं करना चाहते, मतलब आगे जाके रिपेयर नहीं हो पाता है। अच्छा ठीक है, बट इसमें क्या है कि ऐसे ना फूलने की प्रॉब्लम आती है ना इसके जॉइंट्स खुलते हैं, ये लग गया तो एज इट इज लगा रहेगा सालों साल। हेलो गाइस, डीके व्लॉग्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, वॉलपेपर से अगर हो चुके हैं आप बोर, तो आ गया है अब नए जमाने का पेपर, यानी के लिक्विड वॉलपेपर। ये पेपर नहीं है, ये बना है सिल्क, कॉटन, मिनरल एंड सेल्यूलोस से, यानी के आप कह सकते हैं कि फैब्रिक जिससे कि कपड़े बनते हैं। और आज भी अगर मैं फैब्रिक वॉलपेपर जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनकी बात करूं, तो वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है। बट लिक्विड वॉलपेपर उससे कहीं ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है, वो भी आपके बजट के अंदर रहकर। चलिए इसके कुछ फायदे जानते हैं। लगाने में बहुत ही आसान है, बस आपको इसमें पानी मिक्स करना है और कुछ मिनट्स के लिए छोड़ना है और ये रेडी हो जाता है लगने के लिए। इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है और इसके लिए आप कोई खास सरफेस दीवार पर नहीं तैयार करना होता है। ये आपकी दीवार के माइनर क्रैक्स और जॉइंट्स को भी भर देता है। मॉइस्चर कंट्रोल, ये आपके सीलन वाली दीवार पर भी रुका रहता है। ये फायर रेसिस्टेंट होता है और अगर कहीं से ये डैमेज हो जाए तो इसको रिपेयर करना भी बहुत ज्यादा इजी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा डिटेल में हम इनके ऑनर से जानते हैं जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। प्रिंस जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप एक यूनिक चीज लेकर आए हैं, लिक्विड वॉलपेपर। सर थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप लिक्विड वॉलपेपर आप किस तरीके से आप इसको बना रहे हैं और क्या है? मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर हमारा हमारी कंपनी का नाम है जस्टिना टेक्सचर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा प्रोडक्ट है जस्टिना सिल्क ब्लास्ट। जी, ये आप देख सकते हो, ये एक्चुअली अभी मार्केट में मौजूद जो भी प्रोडक्ट्स है उन सबसे काफी हटके है, एक नया कंसेप्ट है जी। ना ये वॉलपेपर है, ना पीवीसी पैनल है, ना टेक्सचर पेंट है, इन सबसे हटके ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये आप देखिए, सिल्क कॉटन का बना हुआ मटेरियल है। अच्छा, ये कॉटन है? हाँ, वही धागे, वही कॉटन जो हमारे कपड़ों में यूज होता है। अच्छा, ठीक है। अब उसी को हम दीवारों पे लेके आए हैं जी, की कम्प्लीट मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं और ये कम्प्लीटली इंडियन प्रोडक्ट है। अच्छा, इंडियन है? हाँ, ये 270 ग्राम की पैकिंग में आता है सर। ओके, और ये 50 स्क्वायर फीट बहुत आराम से कवर करते हैं। 50 स्क्वायर फीट कवर करता है ये? मिनिमम पर 50। अच्छा, अप टू 70 80 जाता है। अच्छा, अप टू 70 जाता है, वरना वॉलपेपर है तो 50 से ऊपर जाता ही नहीं है। वॉलपेपर सर वो रोल के फॉर्मेट में आता है जी। वॉलपेपर और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, तो इसमें क्या डिफरेंस है सर वॉलपेपर में? इसमें सर वॉलपेपर रोल आता है तो उसमें क्या होता है कि दीवारों में आपने लगा दिया, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आई तो जॉइंट्स खुल जाते हैं या फूल जाता है। बिल्कुल हाँ, अक्सर ये शिकायत आती है, जो कि आप रिपेयर नहीं करना चाहते, मतलब आगे जाके रिपेयर नहीं हो पाता है। अच्छा, ठीक है, बट इसमें क्या है कि ऐसे ना फूलने की प्रॉब्लम आती है ना इसके जॉइंट्स खुलते हैं, ये लग गया तो एज इट इज लगा रहेगा सालों साल। अच्छा, सीलन आके चली जाएगी बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीलन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अंटिल सीलन आपका परमानेंट 12 महीने का है। अच्छा, जो मौसम की सीलन है से बारिश में आती है उसमें बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, तो सर ये तो एक यूनिक चीज हो गई, एकदम अलग चीज हो गई। इसमें सर आप इसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया आपको ये? इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें अराउंड 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, बट प्रोडक्ट की अवेयरनेस अपना लॉकडाउन कोरोना के बाद है जी। सर एक्चुअली कॉस्टिंग के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कॉस्टिंग कैसे रहती है, क्योंकि वॉलपेपर का तो बहुत ट्रेंड है आजकल। वॉलपेपर जो है इतना फेमस है कि हर कोई जानता है। वॉलपेपर में तो कई रेंज है, मतलब सस्ते से सस्ता बिल्कुल रेंज है जी। बट इसका सर जो प्राइस की बात करूँ, लगभग 2000 रुपए का एक पैकेट पड़ता है। अच्छा, जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अच्छा, अमेजोन पर भी है अवेलेबल? हाँ, हमारी कंपनी अभी सप्लाई कर रही है ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें सर आप जरा हमें दिखाइए कि किस तरह के आपके ये पैटर्न है सारे, क्या टेक्सचर है, क्या क्वालिटी हम देखते हैं इसको। हमारे पास लगभग 200 से ज्यादा शेड्स है जी। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये कैटलॉग हो गया एफ है। अच्छा, ये सब सीरीज वाइज है जी। ठीक है, अच्छा, सबके अपने अपने कोड है जी, जिससे हम कलर आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, सपोज आपने हमें ऑनलाइन कांटेक्ट करा तो हम आपको कैटलॉग की पीडीएफ भेज देंगे, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ सेलेक्ट करके आप बताएंगे सपोज SH09 चाहिए तो आपको SH09 का शेड यहाँ से डायरेक्ट डिस्पैच हो जाएगा जी। मैं भी और आपको कैटलॉग दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा SPY का कैटलॉग है। अच्छा, इसमें टोटल 36 शेड्स है। 36 शेड्स है इसका? सबका अपना अपना कोड है। अच्छा, मैंने वीडियो देखी आपकी, उसमें देखिए ब्रावो मारिएगा सर, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मुझे उसमें एक्चुअल टेक्सचर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत अच्छे लग रहे हैं।
एक्चुअली सर टेक्सचर क्या है, आप फोटो से देख के नहीं समझ सकते, जब तक आप फील नहीं करेंगे, हाथ नहीं फेरेंगे, तब तक आपको नहीं पता लगेगा क्या चीज है। बिल्कुल सही। और जो सेम चीज शाइनिंग की, जो प्रोडक्ट की शाइनिंग है, मैं 100% बोल सकता हूँ कि चाहे कोई सा भी कैमरा हो कितना भी अच्छा, वो एक्चुअल शाइनिंग नहीं कैप्चर कर सकता जो हमें सामने दिख रही है। नहीं, ये बात तो फैक्ट है सर, ये बात तो है। मतलब मेरे लिए तो एक नई चीज है, अभी तक मेरी सारी वीडियोस वॉलपेपर के ऊपर ही है। तो इसमें सर आप जरा हमें दिखाइए कि किस तरीके से इंस्टॉल होता है। ये कम्प्लीटली रेडीमेड है, इसमें जस्ट आपको पानी मिलाना है और वो पानी मिला के वो पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को 1 घंटा छोड़ना है ताकि पानी अच्छे से उसमें कमिंग में मिल सके, एंड देन उस पेस्ट को आपको दीवार पे लगाना है। अच्छा, मतलब पानी में घोल के इसको, पैकेट को 1 घंटा में छोड़ देना है इसको। बिल्कुल। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा लगने के लिए। तो इसको लगाने का, इंस्टॉलेशन का जो तरीका है, इसके लिए स्पेशल कोई इंस्टॉलर चाहिए या फिर कोई भी इसको लगा लेगा? कोई भी पेंटर हो आराम से लगा लेगा। अच्छा, कोई भी पेंटर लगा लेगा? बहुत आराम से पेंटर। इसमें कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी का इंतजार ही करते रहो, पेंटर तो हर जगह मिल ही जाता है। बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, बहुत इजीली कोई भी लगा सकता है। इनफैक्ट कुछ क्लाइंट्स तो खुद ही लगा लेते हैं। अच्छा। हम रिकमेंड करेंगे कि आप पेंटर बुला लीजिए, वो आपका परफेक्शन से काम करके देगा। अच्छा अच्छा, तो ये तो इसमें मुझे बहुत अच्छा बात लगी, जरूरत नहीं है किसी का इंतजार करने की। डिपेंड वरना वॉलपेपर में क्या होता है कि अक्सर लोग इंतजार करते हैं कि इंस्टॉलर आएगा उसके लिए। वॉलपेपर में बहुत आपको पैटर्न मिलाना पड़ता है। जी जी, सब चीजें होती है, इसको सर आराम से कर सकते हैं। और बाय चांस लगने के बाद आपको पता लग रहा है कि छोटा मोटा दीवार में फिनिशिंग अच्छी नहीं आई है जी, तो उसको भी आप पानी स्प्रे करके फिनिशिंग ला सकते हैं। अच्छा। वो हो जाएगा ठीक, खराब नहीं होगा आपका माल। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है आपको, अगर डर लगे कि मेरा माल मंगाया है खराब हो सकता है, इसमें ऐसा रिस्क नहीं है। जी जी, देखिए गाइस, ये सारी वॉल पे जो है यही वाला लिक्विड वॉलपेपर लगा हुआ है, और मुझे जितना अच्छा लग रहा है कि शायद कैमरे में इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा, ये सारे कलर टेक्सचर है इसके अंदर। तो चलिए सर इसका थोड़ा सा डेमो देखते हैं हम लोग, कैसे लगता है। आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। ये देखिए सर, सारा हमारा मटेरियल है, अलग अलग शेड है, सारे कट्टे बड़े हुए। अच्छा, ये सब मटेरियल है सर, है? ये अपना खुला हुआ पैकेट है जी। इससे आपको मटेरियल दिखाता हूँ पहले। अच्छा, ये देखिए इस तरह का होता है। देखो एक बार छूके। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रेशम सा कपड़ा सा कुछ है ना। हाँ हाँ सारा। तो सर अब इसी को लगा के दिखाएंगे जी। ये देखिए आगे बकेट में। अच्छा, अंदर मतलब इसको घोलने का प्रोसेस ये है। तो इसमें पानी का कुछ क्वांटिटी रहती है कि इतना पानी डालना है इसमें? सर ये लगभग एक पैकेट में 5 से 7 लीटर लगता है। अच्छा, तो डिपेंडिंग अपॉन शेड, किसी किसी शेड में ज्यादा पानी लगता है तो किसी में कम लगता है। अच्छा, तो जनरली 5 लीटर डाल के ना उसके बाद वो अंदाजे से लगता है। अंदाजे से? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कितना भी डाल लो या कर लो, है ना? नहीं, अपने हिसाब से नहीं। हाँ, ज्यादा हो गया अगर एक क्वांटिटी से ज्यादा हो गया वो तो बेकार, पतला हो जाएगा। सही बात है। वो बस यही है ना कि अगर जैसे पानी मिल गया, आपको दिखाता हूँ, पानी मिल गया तो इतनी जब ये इतना चिकना हो जाना चाहिए कि अपने हाथ में बैटरी लगा बंद करो तो सारा हाथ से फिसल के निकल जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब जब पूरा अच्छे से मिल जाएगा और 1 घंटा हम छोड़ देंगे जी, तो ये बहुत ज्यादा चिकना हो जाएगा। अच्छा, चिकना हो जाएगा। हाँ, तब इसे लगाया जाता है। 1 घंटा छोड़ना पड़ता है। 1 घंटा छोड़ना पड़ता है। ये देखिए सर, ये इसे इस टूल से लगाया जाता है, इसे प्लास्टिक ट्रॉवल कहते हैं। ठीक है, आपके पास इससे थोड़ा हटके भी अगर है जी तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली हमें यही चाहिए लगाने के लिए। हाँ, टूल ऐसा होना चाहिए, बाकी प्लास्टिक का हो या फिर स्टेनलेस स्टील का हो। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी ये करके दिखाएंगे भाई। चलिए देखते हैं सर कैसे लगता है। ये थोड़ा सा मटेरियल लेना है। अच्छा। और दीवार पे ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। अच्छा, ठीक है। जब इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसी हो जाए कि ज्यादा इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो सकता, तब आपको दूसरा मटेरियल उठाना है। तो सर इसको इजीली वैसे अगर चाहे कोई भी तो लगा सकता है इसको खुद भी? हाँ जी सर, बहुत आराम से लग जाएगा जी। देखिए गाइस, लगाना बहुत ही आसान है इसको, और कोई भी चाहे अगर तो लगा सकता है। मैंने तो इतनी सारी वॉलपेपर की वीडियो डाल रखी है लगाने की, इंस्टॉलेशन की, तो उनसे भी काफी सारे लोग सीख गए हैं कि खुद लगा सकते हैं, और ये तो उससे भी इजी है, वॉलपेपर से भी इजी है। इन भाई को भी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, 4-5 दिन ही हुए हैं जी, इन्होंने भी बहुत जल्दी सीख लिया। मैं कह रहा हूँ ना सर, ये तो बस घोलो और बस लगाना शुरू कर दो।
कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल आराम से कोई भी लगा सकता है। इनफैक्ट अपने ऑल ओवर इंडिया क्लाइंट्स जुड़े हैं जी, ऑल ओवर इंडिया। हमने कहीं पे भी ट्रेनिंग नहीं कराई है। अच्छा। जनरली सैंपल पाउचेस काफी होते हैं आराम से सीखने के लिए। जी जी। और कोई जॉइंट्स वगैरह भी अगर आता है बाई चांस, आधा काम आज आपने कर दिया, आधा आप कल चालू करते हैं, तो जहाँ जॉइंट आ रहा है वहाँ पे पानी स्प्रे करके वहीं से आप रिकंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। उसमें जॉइंट बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि ऐसा जॉइंट भी है। जी जी। दीवार में कुछ गड्ढे वड्ढे है छोटे, वो भी सब ढक जाएंगे ऐसे। सब ढक जाएगा, कुछ आपको रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है। देखिए गाइस, स्टॉक की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर आपको स्टॉक मिलेगा यहाँ पर, जितना आपको स्टॉक चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए गुजरात वडोदरा में प्लांट है। अच्छा। वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात में? हाँ जी, ये दिल्ली में अपना वेयर हाउस है, यहाँ पे अपना स्टोर करते हैं, ताकि जो भी छोटे मोटे ऑर्डर है बाय कुरियर जाने वाले बहुत इजीली जा सके। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे आपको ऑल इंडिया में डीलर्स कांटेक्ट करेंगे तो किस तरीके से आप उनको प्रोवाइड कराएंगे? हमारा डीलरशिप के साथ अलग बिजनेस चलता है, B2B एंड B2C अलग चलता है। अच्छा। तो हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर्स भी आते हैं और डीलर्स भी जुड़ते हैं। अच्छा। तो डीलर्स के लिए प्राइसेस अलग होते हैं जी, और उनको अलग अलग बेनिफिट मिलता है डीलर को जी। ठीक है, उनके साथ हमारा रेगुलर काम चलता रहता है। डीलर के लिए मोनोपोली डीलरशिप हम देते हैं जी। मतलब कि सपोज आपने कोई डिस्ट्रिक्ट से डीलरशिप ली जी, तो वो डिस्ट्रिक्ट का आपने अगर डीलरशिप लिया तो उस डिस्ट्रिक्ट में कोई और डीलर नहीं बनेगा। अच्छा। हमारी कंपनी की पॉलिसी रहती है जी, ताकि आप भी फ्रीली अपना काम कर सके। एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। बहुत अच्छे से है ना। हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर वो आगे फिर अपना नेटवर्क में दे रहे हैं अपना ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी डीलरशिप है जी। डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं जी। तो अगर आपको भी जुड़ना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए जी। अच्छा सर, जैसे रिटेल में अगर चाहिए किसी को, रिटेल में चाहिए तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ले सकते हैं, बाकी हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। अमेजोन फ्लिपकार्ट से थोड़ा बेटर प्राइस आपको देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अंदर भी है अपने काफी 200 से ज्यादा शेड है, तो सारे शेड का अपना स्टॉक मेंटेन करना काफी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। दो फ्लोर सबसे कम इन्हीं से भरे हुए जी। सब शेड है इसके पीछे, ये अपना SC08 शेड है। अच्छा ठीक है। और अगर किसी को सैंपल चाहिए प्रोडक्ट अच्छा। के ऑर्डर से पहले कुछ छोटा मोटा सैंपल चाहिए, तो ऐसे सैंपल पाउचेस भी अवेलेबल कराते हैं हम हर शेड के। हाँ सर, ऑलमोस्ट हर एक शेड का होता है, बाकी सैंपल हमारे रैंडमली भेजा जाता है। अच्छा। तो उसमें सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, बस हम आपको अपने हिसाब से बढ़िया शेड दे देंगे।